आप सभी लोगों को नमस्कार तथा आप सभी लोगों का सिद्धांत क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वैद्युत क्षेत्र आप पढ़ चुके हैं और अब हमको पढ़ना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, क्योंकि इसकी सहायता से आगे हमको कई डेरिवेशन करने हैं। हम देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी बिंदु पर, जैसे मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है, तो आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र जो होता है किसी न किसी आवेश के कारण होता है ना। वैद्युत क्षेत्र जो होता है वह किसी न किसी वैद्युत आवेश के कारण होता है, चाहे धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश हो। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, तो ये किसी आवेश के कारण टोटल क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ये आपका वैद्युत क्षेत्र है। मान लीजिए किसी आवेश का क्या है, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश, मतलब इसमें कोई परीक्षण आवेश रख दिया जाए। जैसे मान लीजिए धन आवेश पर कार्य करने वाला बल, ये कौन सा बल होना चाहिए, वैद्युत बल। कार्य करने वाला वैद्युत बल तथा उस आवेश के अनुपात को, और अगर मान लो परीक्षण आवेश क्या रखा गया है, Q0, क्या रखा गया है, Q0, तो उसके अनुपात को उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। पहले तो आप वैद्युत क्षेत्र को समझिए। तो पहले किसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र बनता है, वैद्युत क्षेत्र जो बना होता है वह किसी आवेश के कारण। और अगर हमको पता करना है वैद्युत क्षेत्र है, तो उसमें कोई परीक्षण आवेश ले जाइए। परीक्षण आवेश का मतलब, परीक्षण आवेश का मतलब आप परीक्षण करने के लिए जा रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र है तो कैसा है, इसकी तीव्रता कैसी है। देखिए इस आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र है, इसमें दूसरा हम परीक्षण आवेश लाए क्या, Q0, तो इस आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र है। तो वैद्युत क्षेत्र है तो दो आवेशों के बीच क्या लगेगा, वैद्युत बल। क्या लगेगा, वैद्युत बल। और बल क्या होगा, यह तो परिभाषा ये कहती है कि वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी बिंदु पर, मान लीजिए कोई बिंदु है, इसी बिंदु पे रखा गया है आवेश, रखे किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश, और क्या हो, धन आवेश हो। क्या हो, मान लीजिए कोई धन आवेश हो, तो उस पर कार्य करने वाला वैद्युत बल तथा उस आवेश के अनुपात को, और ये आवेश क्या है, Q0 के अनुपात, तो उस बिंदु की क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे दिखाते हैं, E से दिखाते हैं। तो देखिए ये क्यू आवेश के कारण टोटल वैद्युत क्षेत्र है, इसमें परीक्षण आवेश हमने क्या रखा, Q0, तो दो आवेशों के बीच क्या रखा, वैद्युत बल। तो यह वैद्युत बल और जो परीक्षण आवेश रखते हैं वो, इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस बिंदु पर अगर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो कोई परीक्षण आवेश ले आइए, देखिए कि वैद्युत क्षेत्र के द्वारा इसमें कितना बल लग रहा है, और इस आवेश दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी क्या जाएगा, यह बटे Q0। अब मात्रक इसका ऊपर यह है, तो यह क्या होता है, बल। बल का मात्रक होता है न्यूटन, नीचे आवेश, आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलम्ब। तो आपने लिख दिया न्यूटन प्रति कूलम्ब। ये एक सदिश राशि है, कैसी राशि है, सदिश राशि, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। इसकी बीमा लिखना है, तो बीमा हमने डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं कि बीमा कैसे लिखेंगे। ध्यान दीजिए, आपको जब बीमा लिखना है तो फार्मूले से बीमा लिखते हैं, तो यहाँ तो डायरेक्ट बीमा लिख दिए हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए यह बल है ना, और बल की बीमा क्या होती है, MLT - Q, ऐसे लिख दीजिए। और नीचे क्यू है, तो क्यू एक आवेश है ना, Q0 हो चाहे क्यू हो, मतलब एक आवेश है। तो क्यू बराबर क्या होता है, IT, तो आई को एम्पियर, टी का मतलब सेकेंड, AT, इसकी बीमा क्या होती है, जैसे क्यू बराबर आप IT पढ़ते हैं ना, तो क्यू का डायरेक्ट बीमा लिख नहीं सकते हैं, तो आई को एम्पियर, समय को टी से टी, तो AT, इसकी जगह क्या लिख दी, AT। अब इसको ऊपर लेके जाइए, तो MLT - 3, टी पे एक है तो ऊपर जाएगा -3, और क्या हो जाएगा, T - 1, तो इसकी बीमा बनी। जैसे साधारण छोटे छोटे बीमा आपको याद हो या निकाल लिए हो पहले से, आपको पता हो, तो आप बड़ा बीमा किसी की राशि का आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये होगी आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए अब हम देख लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, कभी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ देता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा का हम निर्धारण करेंगे, तो दो चीजों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि वो जो वैद्युत क्षेत्र है, जैसे वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश कारण बनता है ना, पहला बात वो धनावेश के कारण बना है कि ऋणावेश के कारण बना, ठीक है। अगर धनावेश के कारण बना है तो उसके लिए अलग, ऋणावेश के कारण बना है तो उसके लिए अलग होगा। तो पहला, यदि कोई आवेश धनात्मक है, मतलब धनात्मक आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र है,
तो विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से बाहर की ओर होगी तथा चालक के पृष्ठ के लंबवत होगी। कहाँ होगी? आवेश से बाहर की ओर और चालक के पृष्ठ की क्या होगी? लंबवत होगी। देखिए ये धन क्यू जीरो है, वही आवेश है, तो आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन रही है वो कहाँ बन रही है? बाहर की ओर। लंबवत तो हम इसमें दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि हमारा ये 2D प्लेन है, लेकिन लंबवत होगा। चालक के पृष्ठ पे क्या होगा? लंबवत होगा। देखिए दिखा गया है धनात्मक आवेश का। दूसरा, यदि आवेश ऋणात्मक है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की ओर होगी। पहले क्या हो रहा था? आवेश से बाहर, अब क्या था? आवेश की ओर। देखिए जितनी भी विद्युत क्षेत्र की दिशाएं हैं सब क्या है? आवेश की ओर होगा। तथा पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर, पृष्ठ के लंबवत कहाँ होगा? अंदर की ओर। मतलब आपने क्लियरली ये चीज समझ लिया कि अगर हम विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा की बात करते हैं, ठीक है, तो दो चीज हम ध्यान में रखेंगे। अगर धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो वो क्या होगा? बाहर की ओर होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? बाहर की होगी और चालक के पृष्ठ के लंबवत की ओर, लंबवत होगी, ठीक है। लेकिन अगर ऋणावेश है तो क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होगी वो आवेश की ओर होगी, न कि उससे दूर होगी, उसकी आवेश की ओर होगी। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है आवेश की ओर, इसकी ओर दिया गया है, ठीक है। तथा चालक के पृष्ठ के लंबवत कहाँ होगी? अंदर की ओर होगी। अब एक चीज इसमें और ध्यान रखते हैं हम, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है, तो नोट करके इसे आप लिख लीजिएगा। जैसे हम जो यहां पे पढ़ रहे हैं तो वो केवल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र पर, किसके कारण? आवेश कारण, विद्युत आवेश, धन आवेश या ऋणावेश कारण। लेकिन जब बात किसी बैटरी या सेल की हो, बैटरी या सेल, तो उससे भी तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। जो बैटरी आपके वहां लगी है, चाहे सोलर बैटरी या बैटरी जो आप घरेलू उपकरणों में भी देखते हैं बैटरी लगी हुई है, और सेल, सेल से भी आप ऊर्जा लेते हैं, तो इनमें विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती? कभी कभी आपसे ये पूछ दिया जाता है एक नंबर में, तो हमेशा चाहे बैटरी हो चाहे सेल हो, ठीक है, इनमें विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है। ये धन टर्मिनल कर दीजिए, ये क्या कर दीजिए? ऋण टर्मिनल की ओर होती है, ठीक है। हमेशा जब बैटरी सेल में विद्युत क्षेत्र की दिशा देखेंगे, अर्थात ई की दिशा किधर होगी? धन टर्मिनल से किधर होती है? ऋण टर्मिनल की ओर। चलिए अब हम देखते हैं पहला, वैद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब कोई वैद्युत आवेश हो तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो देखिए पहले हम मान लेते हैं कि माना बिंदुओं पर कोई आवेश क्या है? क्यू। बिंदुओं पर कोई आवेश क्या है? क्यू है। और बिंदुओं से आर दूरी पर कोई क्या है? बिंदु पी है। इस पर कोई आवेश क्या है? क्यू जीरो। दो आवेश हो गए ना। ध्यान दीजिए, जैसे इस आवेश के कारण तो विद्युत क्षेत्र बनता है, लेकिन परीक्षण करने के लिए इसमें जो हमने आवेश रखा है वो क्या है? क्यू जीरो। ये पीछे ही मान के चल रहे थे, नहीं चल रहे, मैंने आपको बताया था। तो एक आवेश के कारण तो विद्युत क्षेत्र बनता है और उसमें कोई दूसरा आवेश रखते हैं परीक्षण करने के लिए, कैलकुलेशन के लिए। तो जो ये आवेश है बिंदुओं पर है और उससे आर दूरी पर बिंदु पी है, इस पर कोई आवेश क्या रखा? क्यू जीरो। चूंकि दो आवेश हो गए तो हमेशा दो आवेशों के बीच कौन सा बल कार्य करता है? विद्युत बल। तो विद्युत बल दिखा दिए। और जब विद्युत बल कार्य करने लगा तो विद्युत बल और इस परीक्षण आवेश दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये कहां होगी? बाहर। अगर ये धनात्मक आवेश होगा तो कहां होगा? बाहर। दोनों की दिशा दिखा दिया, तो दोनों आवेशों के कारण विद्युत बल, यही जो बल है वो कितना होगा? तो आप विद्युत बल के लिए आप कूलाम के नियम से पढ़े थे कि F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r2। तो यहाँ पे Q1 की जगह क्या है? Q, और Q2 की जगह क्या है? Q0, और r तो है r स्क्वायर। और इसके दिशा में एकांक वेक्टर आप r कैप लिख सकते हैं, जहां r कैप क्या है? आप लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या है? एकांक वेक्टर। इसका माने होता कोई खास नहीं है उसमें, लेकिन आपको निकालना क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले आपने बल निकाल लिया, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? E बराबर F/Q0। देखिए ये दोनों सदिश राशियां हैं, इसलिए हम सदिश का चिन्ह लगा दिए। तो अब F का मान आप निकाल चुके हैं ना, तो यहीं पे लिख दीजिए समीकरण 1 से
एफ का मान रखने पर, तो समीकरण एक से एफ का मान यही ना है, उठा करके यही रख दीजिए, क्यू जीरो नीचे तो नीचे क्यू जीरो से क्यू जीरो कैंसिल हो जाएगा, बच क्या है एक बटे फोर पे आर जीरो क्यू बटे आर स्क्वायर आर कैप न्यूटन प्रति कूलम्ब। अब आपसे अगर हमेशा कोई पूछे कि किसी एक आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो जिस आवेश के कारण पूछा गया उस आवेश को ही लेंगे, ठीक है, न कि यहाँ पे परीक्षण आवेश को रखेंगे। तो सूत्र में क्या आ रहा है आपका, जिस आवेश के कारण पूछा जा रहा है वो आवेश रखा जा रहा है, क्योंकि आपने लिखा वैद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप इसी आवेश के कारण निकाले हैं क्यू के कारण, किसके कारण क्यू के कारण, तो जिस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना होगा तो ऐसे डायरेक्ट एक बटे फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बटे आर स्क्वायर, मान इससे आर दूरी पर आप निकाल रहे हैं तो आर स्क्वायर रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये किसी आवेश के कारण क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। चलिए हम देख लेते हैं कि आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब किसी निकाय में बहुत सारे आवेश हों, मतलब यन आवेश हों, Q1, Q2, Q3, Q4, .. ठीक है, तो हम तब क्या करते हैं, तो तब हम अध्यारोपण का सिद्धांत लगाते हैं। आप पढ़े होंगे अध्यारोपण का सिद्धांत, जब हम कूलाम्ब बल निकाले थे तो अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़े थे। तो देखिए मान ले रहे हैं कि किसी निकाय में यन आवेश है, जैसे Q1, Q2, Q3, Q1, तो यहाँ पे मूल बिंदुओं से ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस, तो हमने मान लिया Q1 है, Q2, Q3 है, लास्ट में क्या मान लिया Q1, सबकी दूरी अलग अलग होगी ना, R1, R2, R3, R1 हो गया। तो हम क्या करेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से, तो अध्यारोपण के सिद्धांत के कारण जो होता है किसी एक बिंदु पर, ठीक है, किसी एक बिंदु पर सभी आवेशों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ठीक है, तो वो E बराबर क्या होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 .. सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। तो सबके लिए हम देखते क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, E बराबर 1/4 πε0 Q/r² और r है, ध्यान दीजिए अब यदि जस्ट हमने आपको यही के लिए फार्मूला पढ़ाया, ठीक है। तो क्या करना है आपको, सिर्फ आवेश देखिए और दूरी देखिए और उसकी दिशा में एकांक वेक्टर तो आप लगाते ही जाएंगे। तो पहला आवेश क्या है Q1 और उसकी दूरी क्या है R1, ठीक है, आपको स्क्वायर करते जाना है, ठीक है, क्या करते जाना है स्क्वायर, इसे स्क्वायर करना हम भूल गए, स्क्वायर आपको करते जाना है, ठीक है। तो पहला आवेश Q1 मूल बिंदु से उसकी दूरी क्या है R1, तो Q1 बटे R1 स्क्वायर, इसकी दिशा में एकांक वेक्टर क्या मानेंगे R1, देखिए इस फॉर्मूले जैसा हो गया ना Q/0 Q/r², तो इसमें आवेश क्यू था अधूरी क्या थी यार, इसमें आवेश क्या है Q1 अधूरी क्या है R1, तो क्या हो जाएगा Q/r² यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊपर वाले से देखिए दूसरे आवेश में, तो 1/4 πε0 दूसरा आवेश क्या Q2 अधूरी क्या है R2², ऐसे तीसरे के लिए बना सकते हैं, तो हम यानवे के लिए बना दिए, तो यानवे के लिए 1/4 πε0 आवेश क्या है Q1 अधूरी क्या है Rn, तो Rn² क्या हो जाएगा Rn, तो 1/4 πε0 क्या है कामन, तो हमने कामन कर दिया, तो बस क्या जाएगा Q1/r² R2, ऐसे लास्ट में ये वाला टर्म आपका बच जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जब पद बहुत बड़ा हो जाता है तो हम समेशन कर देते हैं, समेशन करने के लिए आप देख रहे हैं कि एक जैसे जा रहा है Q r² बट टर्म बढ़ता चला जा रहा है, यहाँ पे एक एक तो दो दो तीन तीन ऐसे लास्ट में n बढ़ता, तो हम क्या सभी पदों को इकट्ठा कर दिए, इकट्ठा करने का मतलब हमने देखा कि ये Q है ये R है, तो Q i/r² और i बराबर कहां से एक से लेकर m तक, मतलब एक से लेकर m तक लिखने के बाद हमको जोड़ेंगे तो यहां से यहीं तक मिलेगा ना, और सबके आगे अगर एक रख रहे हैं तो यहाँ पे एकांक वेक्टर R1 है, दो रख रहे हैं तो यहाँ पे एकांक वेक्टर R2 है, और अगर ये आप n-वां टर्म चलेंगे तो यहाँ पे एकांक वेक्टर क्या जगह n है, मतलब कई आवेशों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसको हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे, और जोड़ करके हम लिख देंगे। देखिए लास्ट में कुछ हम विशेष देख लेते हैं नोट के तौर पे, कि दो आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जब आपको दी दो आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1 और क्या है E2, क्या है E2, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी का मतलब रिजल्टेंट, तब आपको निकालना हो तो आप डायरेक्ट ये सूत्र लगाइएगा कड़ी में E1² + E2² + 2E1E2 cos θ, जब दो आवेश हो और दोनों आवेशों का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग हो तो दोनों का परिणामी आपको निकालना हो तो कड़ी में E1² + E2² cos θ, ये कैसे माना गया है, मान लीजिए कि हमने मूल बिंदु से ये इधर एक E1 मान लिया, क्या मान लिया E2, यहाँ से आधे आपके विभाजित को इधर अल्फा इधर थीटा, जितना अल्फा उतना क्या है थीटा, तो यहाँ पे हम मान करके ये चलते हैं,
और अगर आपसे जब टेन अल्फा इसमें पूछा जाता है, ठीक है, टेन अल्फा स्पर्श ज्या को लेकर के जब पूछा जाता है तो आप क्या करते हैं, ई टू साइन थीटा बटे ई वन प्लस ई टू कॉस थीटा, ये डायरेक्ट आप फार्मूला दोनों यूज करते हैं। तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी क्या हो गई, समान हो गई।